महात्मा गांधी हिंदी निबंध। Please like, share and subscribe to the channel and don't forget to press the bell icon। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अहिंसा की नीति के लिए सुप्रसिद्ध हैं। भारत की आजादी के संघर्ष में गांधी जी का एक विशेष स्थान है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर नामक स्थान पर, जो कि गुजरात काठियावाड़ का छोटा सा नगर है, में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता राजकोट रियासत के दीवान थे। महात्मा गांधी का विवाह महज 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया था। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई, किंतु बाद में उच्च शिक्षा के लिए इन्हें विलायत भेजा गया। विलायत से बैरिस्ट्री पास कर वह भारत वापस आ गए। उनको हालात के वशीभूत होकर दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां भारतीयों की बुरी दशा देखकर उनका मन बेचैन हो उठा और उन्होंने वहां अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चे लगाए और सत्याग्रह आदि किए। सन 1915 में वह भारत वापस आ गए तथा स्वतंत्रता के संघर्ष में जुट गए। उन्होंने कई प्रकार के सत्याग्रह किए। उन्होंने भारतीयों में एक नया आत्मविश्वास भरा। उन्होंने लोगों को स्वदेशी बनने की बहुमूल्य सलाह दी। उन्होंने सन 1919 में असहयोग आंदोलन चलाया और उनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया, किंतु वह अंग्रेजी सरकार के किसी भी जुल्म के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी गतिविधियों को तेज करते हुए फिर 1929 में स्वतंत्रता का नारा लगाया। उन्हें कानूनों को तोड़ने के जुर्म में फिर जेल भेजा गया। सन 1930 में उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। यह नारा अंग्रेजों भारत छोड़ो के लगते ही लाखों भारतीय लोग स्वतंत्रता के संघर्ष में कूद पड़े। बहुतों को अंग्रेजी सरकार ने पकड़कर जेलों में ठूंस दिया। अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी थी, लेकिन गांधी जी का नाम हमेशा अमर बना रहेगा। Thanks a billion for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.